हेलो एवरीवन, टैरिट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। सो शुरू करते हैं, देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। जैसा कि मैंने कल रात को एक रीडिंग करी थी फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर से देखिएगा। उस रीडिंग में मैंने काफ़ी क्लियर तरीके से 2 दिन की एनर्जी बताई है, 48 आवर्स की एनर्जी है, तो ज़रूर से देखिएगा उस रीडिंग को, आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं आज के दिन में। आज की एनर्जी कलेक्टिव लेवल पे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज, फर्स्ट कार्ड है द सन, द लवर्स, राधे कृष्ण, डेथ। अब द लवर्स आया है तो देखते हैं क्या कूद के डेविल आता है या नहीं। बहुत दिन से मैंने डांटा हुआ है तब से आ नहीं रहा है, नाराज हो गया है। कौन आया भाई? चैरियट, वाओ। वन मोर कार्ड, देखो आ गया। तुम सुन रहे थे ना मेरी जान, तुम पक्का सुनते हो मुझे। एक्सपेक्टेड थे तुम। बर्गंडी, दर्शन कर लीजिए, आप लोग को बहुत पसंद है बर्गंडी, इनकी हेयर स्टाइल। ये आता है तो इसका आना बनता है, ये मतलब इससे रहा नहीं जाता है बिल्कुल भी। और ये मैंने बहुत बार नोटिस किया है, अनगिनत बार मैंने नोटिस किया है, पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है। तुमको प्रेमियों से क्या दिक्कत है भाई, क्यों आ जाते हो बड़े बड़े दांत लेके? हाँ चलो कोई नहीं, खुश रहो बस। तो यहाँ पर देखिए कलेक्टिव लेवल पे जो साइंस है बता देती हूँ, बॉटम से एम्प्रेस हैं विद द स्टार, एरीज, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, ये साइन यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली निकल कर आए हैं। देखते हैं यहाँ पर एनर्जी वाइज लव लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत हैं, हर तरीके से प्रॉब्लम्स हैं, चाहे आपकी तरफ से हों चाहे आपके पार्टनर की तरफ से हों, बट कलेक्टिव लेवल पे आपके पार्टनर इस जर्नी को, इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को वैल्यू कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं, कुछ सिचुएशंस को ख़त्म करके बढ़ना चाह रहे हैं, बढ़ने की एनर्जी है, द चैरियट की एनर्जी है। यहाँ पर द लवर्स विद द डेविल आया है तो डेफिनेटली ये जो एनर्जी है, लव लाइफ है तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही, कभी भी बहुत स्मूथ लव लाइफ होती है तो मज़ा भी नहीं आता है, चैलेंजेस तो मज़ेदार होते हैं। तो जो भी चैलेंजेस आएंगे आपके पार्टनर फेस करने के लिए रेडी हैं, आप भी फेस करने के लिए रेडी हैं। सो देखते हैं क्या एनर्जीज हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों आए हैं ये कार्ड्स कलेक्टिव लेवल पे, क्लैरिफाई करें। द सन, द सन की एनर्जी क्यों आई है? जस्टिस, कर्मा, क्लिंजिंग, सैटर्न की एनर्जी है। अगर आप में से कई लोगों के पार्टनर कार्मिक रिलेशंस में हैं, अटके हुए हैं किसी सिचुएशन में, तो ये एक्शन लेंगे। यहाँ पर मूवमेंट दिख रहा है, मैसेज की एनर्जी है, हो सकता है किसी लीगल सिचुएशन में अटके हों या किसी मैरिज में अटके हों या शादी को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही है, खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं टू टेक अ प्रॉपर एक्शन रिलेटेड विद मैरिज, रिलेटेड विद एनी लीगल सिचुएशन और थर्ड पार्टी सिचुएशन, तो ये एक्शन की एनर्जी है। द लवर्स क्यों आया है, क्लैरिटी मिलेगी आपको, बैलेंस की एनर्जी है, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं आप कि अब सही होगा सब, अब सही होगा सब, होगा कि नहीं होगा, एक उम्मीद पे हैं आप। अगर आप बैलेंस्ड हैं, अगर आप बिल्कुल अपने ऊपर फोकस करके बैठे हैं, अगर आपने भगवान पे भरोसा रखा है, ट्रस्ट रखा है कि मेरे लाइफ में अच्छा ही होगा, तो ये उन एनर्जीज़ के लिए बहुत अच्छा समय है।
बहुत लोगों का रीयूनियन होने वाला है, बहुत जल्द, बहुत जल्द आपका वेट एंड होगा। बैलेंस की एनर्जी है। डेथ की एनर्जी क्यों आई है? ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स की एनर्जी है। जजमेंट, ओके, मूविंग ऑन, चॉइसेस, द स्टार, किंग ऑफ कप्स एंड वन मोर कार्ड इज़ देयर, किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर देखिए, कुछ लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है रिलेटेड विद करियर। अगर आपके पर्सन जो भी हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, अगर उनका अटैचमेंट आपसे ज़्यादा उनके करियर से था, या वो आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी अपने करियर, अपने लाइफ में पैसा, अपने लाइफ में ग्रोथ को देते थे या देती थी, तो उनके उस सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बदलाव आएगा। अगर वो आपके अलावा किसी और से लव या रोमांस या किसी और को प्रायोरिटी दे रहे थे, तो वहाँ पे टावर मोमेंट आ सकता है, एंडिंग्स हो सकती हैं। अगर वो मल्टीपल चॉइसेस में थे, या वो कंफ्यूज थे या कंफ्यूज थी कि उन्हें आपको चूज़ करना है या अपनी फैमिली को चूज़ करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वहाँ पे टावर मोमेंट आ सकता है, एंडिंग हो सकती है उनके कंफ्यूजन की। एंड द जजमेंट, अगर ऑलरेडी किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन के साथ डील कर रहे थे, कार्मिक के साथ डील कर रहे थे, तो कर्मा रिलीज होगा। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि निकल जाएंगे उन सिचुएशन से। आपको होप रखनी है, पॉजिटिव रहिए। सेलिब्रेशन की एनर्जी है। कुछ अच्छी चीज़ें होंगी आपके लाइफ में, जो हर्डल्स रिलीज होंगे। चैरियट का कार्ड क्यों आया है? हाई प्रीस्टेस एंड क्वीन ऑफ वांड्स। यहाँ पर इंट्यूटिव लेवल पे मिसिंग एनर्जी आपको इनकी तरफ से रिसीव हो सकती है। ये आपको इतना ज़्यादा याद करेंगे, इतना ज़्यादा पॉजिटिव होंगे आपको लेकर, इतना ज़्यादा मिसिंग एनर्जी आपको सेंड करेंगे कि आपको हैवीनेस लग सकती है, आपको रोना आ सकता है, आपको इनकी याद आ सकती है, आपको ऐसा लगेगा यार मैं तो बिल्कुल बैलेंस्ड हूँ या बैलेंस्ड थी, अचानक से क्यों मेरा मूड इतना ख़राब हो रहा है, या अचानक से आपके आई में बहुत ट्विचिंग हो सकती है, आपको ऐसा लगेगा आई में कॉर्नर में बहुत ज़्यादा आपको इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, या आपको हार्ट में अचानक से वाइब्रेशन फील होगी, हार्ट बीट फील होगी, अचानक से हैवीनेस फील होगी, या आपको ऐसा लग सकता है कि आपके सर पे, या मतलब आपके हेड पे या नोज़ पे कुछ स्क्रॉल कर रहा है, कुछ चल रहा है, बार बार आपका हाथ वहाँ पे जाएगा, या आपकी आँख फड़क सकती है लेफ्ट या राइट। तो आप समझ लें कि आपको मिसिंग एनर्जी सेंड की जा रही है, या फिर अगर आपको हिचकी आ रही है बहुत ज़्यादा, तो भी आप समझ सकते हैं कि आपके पार्टनर आपको मिसिंग एनर्जी सेंड कर रहे हैं। इंट्यूटिव लेवल पे आपको ड्रीम्स भी आ सकते हैं, उनका नाम दिखाई दे सकता है, उनका कोई उनका बर्थ डेट या उनसे रिलेटेड कोई चीज़ या उनसे रिलेटेड कोई म्यूज़िक आपके सामने आ जाए, या अचानक से आपकी ज़ुबान पर कोई ऐसा सॉन्ग आ जाए जो आप बहुत टाइम से सुने नहीं हो, बट पता नहीं कहाँ से आप गा रहे हो, तो आप समझ लें कि आप इंट्यूटिव लेवल पे या टेलीपैथिक लेवल पे उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो आपको एनर्जी सेंड कर रही हैं या कर रहे हैं। क्यों आए हो तुम? देखिए, यहाँ से आए हैं क्वीन ऑफ वांड्स, ये आप हैं, और किंग ऑफ वांड्स निकल रहे हैं डेविल एनर्जी से। मतलब कपल के बीच में अगर कोई डेविल एनर्जी था, तो वहाँ से आपके पार्टनर रिलीज हो रहे हैं, समझे आप? तुमको छोड़ के जा रहे हैं सब लोग? कोई बात नहीं, मेरा दिल बहुत बड़ा है, आ जाना, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, प्लीज गाइड करें एंजल्स। बुझ गया क्या? चलो अभी है, प्लीज गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है? उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, क्लैरिटी मिलेगी आपको। एस ऑफ सोर्ड्स पहले भी आया था और यहाँ भी आ गया। फोर नंबर इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट कार्ड इज़ नंबर फोर, डेस्टिनी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड थर्ड आई चक्र। यहाँ पर एक कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूँगी।
फोर ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? ओके ओके, जो भी शैडो एनर्जीज हैं, जो भी इनकी नेगेटिविटीज़ हैं, जिसकी भी वजह से आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, जो भी इनके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कार्मिक बंधन है, जहाँ भी ये बंधन में बंधे हुए हैं या बंधी हुई हैं, वहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे, निकल जाएंगे, वो सिचुएशंस एंड होंगी। पहले भी थ्री ऑफ पेंटिकल्स आया था, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, लोग, समाज, सोसाइटी, फैमिली, लेकिन मैंने इसे क्लैरिफाई करना बेटर समझा और वही चीज़ें निकल कर आई हैं। लेट्स क्लैरिफाई सक्सेस। नेक्स्ट एक्शन में सक्सेस क्यों आया है? सक्सेस को क्लैरिफाई किया है सेलिब्रेशन ने एंड न्यू बिगनिंग ने। ये आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे, सेलिब्रेशन की एनर्जी है आपकी तरफ। नेक्स्ट एक्शन में ये आपकी तरफ बढ़ेंगे केयर फ्री होकर, और सक्सेस मिलेगी आप में से कई लोगों को। डेस्टिनी क्यों आया है? फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स सेल्फ लव में आएंगे। जब इंसान अपनी परतों को रिलीज़ करता है तभी सेल्फ लव में आता है, तभी उसे खुद की सोल से कनेक्शन फील होता है। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाले हैं आने वाले समय में, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। इनके लाइफ से जो भी कार्मिक्स हैं, जैसे जैसे वो रिलीज़ होते जाएंगे, ये अपने आप से जुड़ते जाएंगी या जुड़ते जाएंगे, और तब इन्हें आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी इनकी नज़रों में। ये चीज़ें यहाँ से क्लियरली नज़र आ रही हैं। बेस चक्रा क्यों आया है? बेस चक्रा को क्राउन चक्रा क्लियर कर रहा है, मतलब इनके लाइफ में फैमिली का स्ट्रेस हो सकता है, फैमिली की तरफ से स्ट्रेस मिल सकता है, या करियर को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिल सकता है। थर्ड आई चक्रा क्यों आया है? थर्ड आई चक्रा, इनका विजन बहुत क्लियर होगा आपको लेकर। मजिशियन की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। जो भी थर्ड पार्टी है उसकी रियलिटी भी इनके सामने आएगी। न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग के लिए जो भी थर्ड पार्टी है वो रिलीज़ होगी। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलना ही इनकी विश है, तो ये चीज़ें यहाँ से दिख रही हैं मुझे क्लियरली। सो फोर नंबर इम्पॉर्टेंट है गाइस, 4 आवर्स 4 डेज। बहुत सारे लोगों के लाइफ में मेजर चेंजेस आने वाले हैं, लेकिन फिलहाल आपको बिल्कुल पेशेंस रखना है। बिल्कुल भी ऐसी एनर्जी में नहीं रहना है कि आपको ट्रिगर मिल जाए। फर्स्ट कार्ड है द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आस्क योर एंजल्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। कुछ हफ्ते या कुछ महीनों के अंदर, कुछ हफ्ते या कुछ दिन के अंदर, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स की एनर्जी है। काफ़ी लोगों की सिचुएशन इम्प्रूव होगी, ट्रस्ट रखें। देन वी हैव नो नीड ऑफ वरी, बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें, चिंता ना करें। हेल्पफुल पीपल एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन विद लेट गो। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, कुछ चीज़ों को लेट गो कीजिए। जिस सिचुएशन की जानकारी नहीं है, अगर आप चाहें तो उसकी जानकारी ले सकते हैं कि आप के लाइफ में अगर कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, सो गेट मोर इन्फॉर्मेशन। हो सकता है कि आपके पार्टनर से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी हैं, तो उनके म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू या जिस भी माध्यम से आप उनकी जानकारी लेना चाहें आप ले सकते हैं। ये या उनकी तरफ से हो सकता है आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले। सो ये एनर्जी निकल कर आई है आज के दिन में। होप आप लोगों को गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।